नमस्कार। पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इससे निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया था। इसी को लेकर बॉलीवुड के जाने माने लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने एक ऐसा ट्वीट किया कि वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं इस बात को जानता हूं कि दूसरों को महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से सबक लेने की बेहद जरूरत है। वो इस कोविड के खतरे से गजब की क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। अब जावेद अख्तर का ये ट्वीट जैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा तो वो उन पर भड़क गए और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में ही हो रही हैं, तो वो ऐसा कैसे कह रही हैं? जैसे एक यूजर ने जावेद अख्तर को ट्रोल करते हुए लिखा, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या खा के चाटते हैं, उम्र का लिहाज तो कम से कम किया करें, शोभा नहीं देता। एक दूसरे यूजर ने लिखा, इसलिए सबसे ज्यादा डेथ महाराष्ट्र में हुआ है, सीखने सिखाने को कुछ नहीं है, हर स्टेट सही काम कर रहा है अपने सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ज्ञान बांटना कम कीजिए। एक और यूजर ने लिखा, सर हाईएस्ट डेथ रिकॉर्डेड इन महाराष्ट्र ओनली, स्टिल इन नंबर वन इन डेथ लिस्ट, बट यू गाइज आर सो ऑसम, कैसे कर लेते हो सर। एक यूजर ने लिखा, हा जोक ऑफ द डे, फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ स्टूपिड कॉमेडी। तो देखा आपने, लोगों ने जावेद अख्तर को जमकर ट्रोल किया। बता दें अपने इस ट्वीट के जरिए जावेद अख्तर ये कहना चाह रही हैं कि कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी सबसे अच्छे तरीके से काम कर रही है और उनसे बाकी सभी राज्य सरकारों को सबक लेने की जरूरत है। बता दें कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश प्रभावित हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो जरूर महाराष्ट्र को राहत मिली है, लेकिन ओवरऑल ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है। ऐसे में जावेद की ये बातें लोगों को पची नहीं और महाराष्ट्र सरकार की पीठ थपथपाना उन्हें भारी पड़ गया। बताते चले, कोरोना काल में कई बड़ी हस्तियां लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर भी इस महामारी में लोगों की मदद कर रही हैं। लोगों को खाना खिलाने से लेकर कोरोना मरीजों को दवाइयां और ऑक्सीजन दिलाने तक फरहान डटकर मदद के लिए सामने आ रही हैं। वैसे जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।